एक वक्त जब कोयला मजदूर खानों में उतरते तो अपने साथ छोटी सी कनेरी चिड़िया को भी ले जाते थे, क्योंकि अगर कभी खान में ऑक्सीजन की कमी हुई तो कनेरी फौरन फड़फड़ाने लगती और माइनर्स को चेतावनी मिल जाती कि जान का खतरा भी हो सकता है। ऐसा ही होता है किसी भी देश में अल्पसंख्यक और पिछड़े लोगों का समुदाय। अगर समाज में कुछ भी असंगत होता है तो अक्सर इसकी पहली आँच आती है माइनॉरिटीज़ पर। शायद इसलिए हमारा संविधान बनाने वाले माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड्स के अधिकारों को लेकर बहुत सजग थे। सन 1916 से ही अल्पसंख्यकों के पॉलिटिकल राइट्स की बात उठने लगी थी। जवाब में अंग्रेज़ों ने उन्हें हक तो नहीं दिए, पर 18 मजहबों और जातों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के अधिकार देकर उन्हें एक दूसरे से बांट दिया। 1931 में जब यही इंतज़ाम हरिजनों या डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए करने की बात चली तो गांधी जी पूना जेल में ही इस सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक चुनाव के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए। आप अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते गांधी जी? अगर आपको कुछ हो गया तो आपके शिष्य मुझे बेकार में इल्जाम देंगे। आमरण अनशन करने का फैसला मेरा अपना है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ मैं जिम्मेदार होऊंगा। पर अगर हरिजनों और बाकी हिंदुओं का बंटवारा हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे अंबेडकर जी। हिंदू और हरिजन एक थे ही कब, जो अब आप उनमें बंटवारे की बात कर रहे हैं? आप सही कह रहे हैं, हिंदू संप्रदाय ने हरिजनों को सदियों से अछूत बना के रखा है, पर अब जब मौका आया है कि राजनीतिक रूप से दोनों साथ साथ आ सकें, तो आप क्यों हरिजनों के लिए अलग चुनावी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं? गांधी जी, एक दिन वोटिंग बूथ में साथ वोट डाल देने से हिंदू और हरिजन एक नहीं हो जाएंगे। पर हरिजन हरिजनों को चुने और सवर्ण सवर्णों को, इस कायदे से तो तुम उन्हें हमेशा के लिए अलग रखने का इंतजाम कर रहे हो। मेरी तजवीज ये है कि हम हर बार कुछ ऐसी सीटें तय करें जिनमें हर एक को केवल हरिजन कैंडिडेट ही चुनने होंगे, फिर वो खुद चाहे किसी भी वर्ग वर्ण के क्यों ना हो, और बाकी सीटों पे भी हरिजन को उसी तरह से खड़े रहने का अधिकार होगा जैसे कि किसी भी हिंदुस्तानी को। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा गांधी जी। अंत में गांधी जी की बात डॉक्टर अंबेडकर ने मानी और दोनों ने प्रसिद्ध पूना समझौते पर दस्तखत किए। यूं दलितों के लिए अलग चुनाव व्यवस्था की बात खत्म हुई। दिसंबर 1946 संविधान सभा के बनते ही एक महीने के अंदर सबसे पहले जो कमेटियां बनी थीं उनमें डिप्रेस्ड क्लासेस और माइनॉरिटी राइट्स की कमेटी भी थी, जिसमें पूरे 72 लोग थे। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं यहां इतिहास की बात करना चाहूंगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के कई देशों जैसे चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया आदि में, जहां माइनॉरिटीज के लोग बड़ी संख्या में रहते थे, यहां की सरकारों ने अपने संविधानों में माइनॉरिटीज के राइट्स को इंक्लूड किया, मगर इनकी गारंटी किसने दी? दूसरे बाहर के देशों की सरकारों ने। और नतीजा क्या हुआ कि द्वितीय युद्ध के आधे आधे इन जगहों से इन माइनॉरिटीज का अस्तित्व ही खत्म हो गया, मिट गए ये लोग नक्शे से। इससे एक सबक मिलता है कि माइनॉरिटीज को सुरक्षा कोई बाहर वाला नहीं दे सकता, बल्कि
वही बहुसंख्यक समुदाय दे सकता है जिसके बीच में यह छोटा तबका रहता है। असल में सच यह है कि अखलियत और अक्सरियत की खुशी ही नहीं, इनका अस्तित्व भी एक दूसरे पर निर्भर है। वी आर हियर नॉट जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी बट फॉर अ रियल टास्क, एंड आई होप द वर्क ऑफ दिस कमिटी विल ब्रिंग कॉनकॉर्ड, एमिटी, गुडविल एंड ट्रस्ट इन प्लेस ऑफ म्यूचुअल स्ट्राइफ दैट एग्जिस्ट ऑन द पॉलिटिकल स्टेज टुडे। लेट अस बिगिन द वर्क ऑफ द कमिटी। कमिटी बनते ही हर धर्म, जाति और उपजाति की तरफ से सुझाव और प्रस्ताव आने लगे। अगर ऑल इंडिया आदि हिंदू डिप्रेस्ड क्लासेस का कॉल था कि उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, तो किसी को लफ्ज़ हरिजन से आपत्ति थी और किसी को पूना पैक्ट से, किसी को सरकारी नौकरी का प्रावधान चाहिए था तो किसी को शिक्षा के लिए खास बजट और भूमिहीनों के लिए ज़मीनें। श्वेतांबर जैनियों की शिकायत थी कि उनके साधुओं को भिखारी समझकर दबोचा जा रहा है। सिखों और मुसलमानों को अपने जबानों और रीति रिवाजों की फिक्र थी। अपने एक नोट में केटी शाह ने ऐसी मांगों का विरोध किया। व्यक्ति की आज़ादी और पूजा अर्चना की स्वतंत्रता के साथ साथ अपनी अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने की बात भी उठाई जा रही है, किंतु अगर इस मांग को माना गया तो ना केवल विभिन्न समुदायों के बीच के अंतर बरकरार रहेंगे बल्कि एक सांझी भाषा बनाने के काम में भी रुकावट आएगी। किंतु शायद इस मांग का विरोध करके झगड़ा बढ़ाने की बजाय यही सही हो कि इस बात को मान लिया जाए। धार्मिक रीति रिवाजों, रस्मों के मानने निभाने के नियमों में कोई परिवर्तन ना करना ही ठीक होगा। इस प्रश्न पर धार्मिक मजहबी संस्थाओं की समाज के पुराणपंथी सबल तबकों से खूब साठगांठ होती है और वो किसी ऐसे परिवर्तन को आसानी से बर्दाश्त नहीं करते हैं जिससे उनके वर्चस्व को ठेस लगे। हालांकि किसी भी संप्रदाय को सुरक्षा के नाम पर छूट देने से केवल प्रतिक्रियावाद या रिएक्शनिज्म को ही बढ़ावा मिलता है। अगले कुछ महीनों में जब कमेटी फिर मिली तो कई महत्वपूर्ण बातें समाज के उन वर्गों को लेकर हुई जिनकी हिफाजत और बढ़ावा हम सबकी जिम्मेदारी है। As far as properties are concerned, we ought to provide for restrictions in public interest for the protection of minority and backward groups. Absolutely. And this is very important. Very, very important. You see, I being an Adivasi can vouch for the fact that this one thing either makes me, gives me a new life or finishes me off completely. We must make it definite that the lands of the Adivasis are protected. And I want it to be definitely, most certainly mentioned in the Constitution. Very well. In pursuance of what Sri Jaipal Singh has just said, we might add, after public interest, including the protection of minority groups and tribes. Why not? उस दिन एक हक तो हमने हर आदिवासी को दे ही दिया कि उनकी भूमि न कोई खरीद सकता है और न वो उसे किसी गैर आदिवासी को बेच सकते हैं। एक और वर्ग है जिसे अलग दमित शोषित श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि हमारे समाज ने उन्हें न कभी बराबरी का हक दिया न दर्जा, और वो हैं हमारे देश की महिलाएं। इस कमेटी का सबसे पहला और अहम काम ये होना चाहिए कि वो कोई ऐसे रास्ते सुझाएं जिससे समाज में माइनॉरिटीज़ को अलग थलग करने के जो रिवाज हैं उन्हें ख़त्म कर दिए जाएं। इनमें माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, दमित लोग हैं और औरतें भी हैं। मेरे हिसाब से औरतें इस समाज की सबसे बड़ी माइनॉरिटी इकाई हैं। न सिर्फ रस्म व रिवाज हमेशा से हम औरतों के साथ बेरहमी का सलूक करते आए हैं बल्कि कानून भी हमेशा से औरतों की मुखालफत में लामबंद रहा है और आज भी है। लेकिन औरतों ने कभी अपने आप को इस समाज से अलग नहीं माना है, ना आगे मानेंगे। हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि औरतों को भी कानून के समक्ष, समाज में और शिक्षा के मामले में बराबरी के हक मिलें,
क्योंकि ये हर इंसान का हक है। राजकुमारी अमृत कौर एक अच्छी ईसाई महिला थीं और हर एक की अच्छाई पर यकीन करती थीं, पर दूसरों को इतना भरोसा नहीं था। द टेंडेंसी ऑफ द मेजोरिटी एज ऑफ ऑल दोस इन पावर इज टू मेक लिटिल ऑफ द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ अ माइनॉरिटी। दिस इज सपोर्टेड बाय द हिस्ट्री ऑफ एवरी एजियन कंट्री। दैट्स व्हाई एवरी काइंड ऑफ माइनॉरिटी रिक्वायर्स safeguards for the defense and preservation of its rights and liberties. Mera ye manna hai ki minority ko kabhi majority se apni suraksha ki bheek nahi mangni chahiye, balki puri himmat se aksariyat ki daryadili pe bharosa rakhna chahiye, kyunki mera manna hai ki koi bhi samvidhan chahe kitni bhi bariki se kyun na likha gaya ho, is baat ki guarantee nahi de sakta ki ab sari adawat aur lang daant mit jayengi। ये भरोसा तो सिर्फ और सिर्फ लोगों का आपसी प्यार और भरोसा ही दिला सकता है। इफ दैट इज सो, वी मस्ट हैव प्रोविजन फॉर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सच माइनॉरिटीज इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे विचार से हमें समग्र रूप से देखना होगा कि हम संविधान में अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए किन रक्षा उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं, राजनैतिक रूप से, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी। हमें ऐसे कुछ सेफगार्ड्स बनाने पड़ेंगे कि हमारे अल्पसंख्यक समुदायों की पूरी सुरक्षा हो सके। आई एग्री विथ यू। और कितने दिनों तक हम ये रक्षा कवच प्रदान करेंगे ये भी हमें तय करना होगा, और ये कि कब इसे समाप्त कर दिया जाए। वी विल अबॉलिश देम व्हेन वी डू नॉट नीड देम। नहीं नहीं, हमें अपने लिए एक समय सीमा तय करनी पड़ेगी कि इतने दिनों में हम अपने समाज से पिछड़े और अगड़े वर्गों का भेद मिटा देंगे जिसने सदियों से हमें बांट कर रखा हुआ है। मेरे विचार से असल में उस दिन भारत सचमुच में आजाद होगा। उस दिन ये तय हुआ कि यदि कमजोर पिछड़े वर्गों को 10 साल तक संविधान का सहारा और सुरक्षा मिले तो वो बाकी समाज के बराबर पहुंच जाएंगे। पर सामाजिक समरसता पाना शायद 10 वर्षों नहीं 10 दशकों का काम है। संविधान बदलना तो आसान है, पर मानसिकता बदलना? इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे दलित नेता चाहते थे कि चुनाव सरकारी नौकरियों और कैबिनेट में भी पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण हो। इस मुद्दे पे जबरदस्त बहस होना लाजमी था। माय सजेशन इज, इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली और द पार्लियामेंट, इट शुड बी मेड मैंडेटरी that the candidates from the majority community should poll a minimum number of votes from the members of the minorities. And only then they should be declared elected. Par is tarah aap ghuma phira kar phir se separate electorate ki baat nahi la rahe hain Ambedkar ji? Not at all. Par is kadam se itna tay ho jayega ki majority community ke candidates agar chune jayein तो उन्हें दूसरी कम्युनिटीज के लोगों की हामी भी लेनी होगी, वरना तो मेजॉरिटी कम्युनिटी वाले अपनी गिनती और शक्ति के बल पे अपनी ही मनमानी चलाते रहेंगे। यू हैव कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेर ओनली हरिजन्स विल बी एबल टू कंटेस्ट द इलेक्शंस एंड एवरीबडी विल हैव टू चूज वन फ्रॉम देम, देन व्हाई डू इंसिस्ट ऑन दिस न्यू क्लॉज? आफ्टर ऑल, इफ एक्सेप्टेड, योर प्रपोजल विल टेक अस बैक टू द प्री पूना पैक्ट डेज। I have never gone back from the Pune Pact, no matter how I have viewed it from the day I signed it with Gandhiji. But this is important, that every candidate must get a yes from people of all classes. Well, if you insist, then I have to take a vote on your proposal. I'm ready. Those in agreement with Dr. Ambedkar, please raise their hands. I thought at least you will be in support of your proposal, Dr. Ambedkar. I am, Dr. Mukherjee, even if I am in a minority of one. That is one in favor. Forget it. Now let me also take a vote on the proposal that no statutory provision be made for the reservation of seats for the minorities in the cabinets. Those in favor, please raise the hands. 5 people. Now, those against,
the proposal? Well, it's a tie. 5-4 and 5 against. Now you will have to give your casting vote, Mr. Chairman. I am for the proposal that there should be no reservation for any caste and community in the composition of the cabinets. वोट से ये भी तय पाया गया कि नौकरियों में अनुसूचित जातियों, असम के आदिवासियों, पिछड़े मजहबी सिखों और एंग्लो इंडियंस को भी आरक्षण मिले। फिर 7 के मुकाबले 9 वोटों से ये भी पास हो गया कि नौकरियों में मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाए। मगर जब सैयद अली जहीर ने इस बात को और आगे बढ़ाया तो कुछ लोगों ने इसकी मुखालिफत की और खफा होकर मौलाना हिफ्जुर रहमान और अन्य मुस्लिम मेंबरान वॉकआउट कर गए। नतीजे में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। 6 दशकों से ज़्यादा गुजर जाने के बाद आज भी कई जगहों पर यह मांग जारी है और कहीं कहीं पसमांदा यानी पिछड़ी मुस्लिम जमातों को आरक्षण मिला भी है। 1 महीने बाद जब माइनॉरिटीज़ कमेटी फिर मिली तब भी धर्म और रीति रिवाजों को लेकर बहसें जारी रहीं। We have with us the interim report and recommendations of the subcommittee on minorities, as well as notes prepared for us by Shri Alladi Krishnaswamy Iyer and Rajkumari Amrit Kaur. Perhaps the Rajkumari would like to present her views to the committee herself. फंडामेंटल राइट्स कमेटी की रिपोर्ट के क्लॉज 16 को जिस तरह से माइनॉरिटीज कमेटी ने बदल दिया है मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। बहुत सोच विचार कर, बहुत बातचीत के बाद फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन जैसी बात को संविधान में हमने कोई जगह नहीं दी थी। यहां मौजूद सब लोग जानते हैं कि धर्म के नाम पर किस तरह की कुप्रथाएं चलती आ रही हैं, फिर वो चाहे पर्दा हो, एक आदमी की कई बीवियां हो, जानवरों की बलि हो या लड़कियों को देवदासी बनाने की प्रथा हो और भी न जाने क्या क्या। अपने मन का धर्म मानने और उस पर चलने की आजादी और अपनी अपनी पूजा प्रार्थना करने की आजादी के बाद किसी व्यक्ति या किसी समुदाय को और क्या चाहिए। इस सब के ऊपर से धार्मिक अधिकारों को जस्टिसेबल राइट बनाना मेरा मानना है बहुत बड़ी हिमाकत होगी और इससे समाज के आगे बढ़ने और मजहबी झगड़ों को खत्म करने के काम में भी अड़ूंगा ही लगेगा। सबसे गर्मा गर्म बहस अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के सवाल पर हुई। नेक्स्ट ऑन द एजेंडा, untouchability in any form shall be abolished. अस्पृश्य का मतलब यहां हर प्रकार की छूत अछूत से नहीं हो सकता। मैं आपको निश्चित तौर से बता सकता हूं कि एक हिंदू के लिए कोई मुसलमान या क्रिस्तान अछूत होते हैं और प्रलय के दिन तक वो अछूत ही रहेंगे। मेरे तई यहां हमारा अर्थ हिंदू समुदाय में फैली हुई छुआछूत से। Do you mean to say that untouchability should be restricted? प्रश्न हिंदू समाज में निहित छूत अछूत की परंपरा का है। The idea here is that untouchability in any form should be abolished. क्रिस्तानों और मुसलमानों को इस बात की फिक्र ही नहीं रहती कि हिंदू उन्हें अछूत मानते हैं या नहीं। So do you mean to suggest that so far Christians and Muslims are concerned, untouchability should be retained? मेरा ये अर्थ नहीं है। But your suggestion will result in that. You are probably aware that there are some Christians who suffer from the same disabilities as the Hindu untouchables. This is to say, the depressed class who have been converted into Christianity in Travancore, Malabar, and Cochin. हमें समिति के उद्देश्य के बारे में साफ होना पड़ेगा कि क्या हम यहाँ केवल हिंदुओं में अस्पृश्यता हटाने के लिए बैठे हैं या ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों में भी, यानी कि सब में छूत अछूत मिटाने को जमा है। As far as I understand, it is about untouchabilities of all kinds. If somebody says to me, I'm not going to touch you, that's not a civil right that I can enforce in a court of law. There are certain disabilities that arise from the practice of untouchability in India. What we should provide for is that these disabilities
which exist in regard to the individual, whether he be a Christian, Muslim, or anybody else, should be eradicated by the process of law. I would suggest that the imposition of any disability of any kind and such a custom of untouchability should be deemed a criminal offense. यूं 5000 साल से चली आ रही छूत अछूत की घृणित प्रथा को हमारे संविधान ने हमेशा के लिए निकाल के फेंक दिया। जिनकी छाया पड़ना भी पाप माना जाता था, आज वही लोग बढ़ चढ़कर नया भारत बना रहे थे और इनमें सबसे आगे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री जगजीवन राम, श्री मुनि स्वामी पिल्लय जैसे अनेकानेक लोग। 27 अगस्त को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर अपनी रिपोर्ट पेश की। अब तक कमिटियों में तय की गई बातों को आज पूरी सभा के इम्तिहान से गुजरना था। ऑन बिहाफ ऑफ द एडवाइजरी कमिटी आई बेग लीव टू प्लेस दिस रिपोर्ट ऑन माइनॉरिटी राइट्स बिफोर दिस हाउस। आई एम हैप्पी टू से दैट दिस रिपोर्ट हैज बीन अ रिजल्ट ऑफ द जनरल कंसेंसस ऑफ द ओपिनियन ऑफ माइनॉरिटी इटसेल्फ एंड द मेजॉरिटी। वी हैव ट्राइड एज फार एज पॉसिबल to meet the wishes of all the minorities. Now, let us hope that we will leave this legacy of bitterness behind, forget the past, and start with a clean slate. जहाँ तक legislatures में नुमाइंदगी का प्रश्न है, यानी joint electorates रहे या separate electorate, इसको लेकर एक दशक से काफी हंगामा हो चुका है, जिसका नतीजा हमारे लिए बहुत दुखदायक साबित हुआ है। अब सब इस राय पे एकमत है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को खारिज करके आइंदा सारे के सारे निर्वाचन क्षेत्र सांझे ही रहेंगे। ये फैसला एक बहुत बड़ा और सुखदायक कदम है। आगे हमने ये भी फैसला किया है कि सरकारी नौकरियों में कुछ विशेष कम्युनिटीज के लिए आरक्षण जरूरी है, विशेष करके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए कई लिहाज से अलग प्रावधान करने होंगे। उस ऐतिहासिक रिपोर्ट के समर्थन में उठी पहली आवाज थी मद्रास के श्री मुनि स्वामी पिल्लय की। सर, द डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द एडवाइजरी कमिटी आई कंसिडर टू बी द मैग्ना कार्टा फॉर द वेलफेयर ऑफ द हरिजन्स ऑफ दिस लैंड। वन क्वेश्चन दैट हैज बीन इन द माइंड ऑफ एवरीबॉडी इज वेदर द पूना पैक्ट विल शो एनी साइंस ऑफ चेंज इन द हार्ट ऑफ द कास्ट हिंदूज ऑफ दिस कंट्री। द वेरी इंक्लूजन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर in the present Dominion cabinet is a change of heart of the caste Hindus, that the Harijans are not any more to be neglected. Mr. President, sir, I believe that today's conditions are a challenge to the minorities. Every wise minority will look forward to a time sooner or later when it will take its place not under some communal label or designation, but as part and parcel of the whole Indian community. मेरी केवल यही दुआ और प्रार्थना है कि माइनॉरिटीज नाम का शब्द ही जल्द से जल्द हमारे इतिहास से मिट जाए। 10 साल जो हमने दिए हैं काफी लंबा वक्त होता है और मुझे पूरी आशा है कि 10 सालों से बहुत पहले जब हम लोग मिलेंगे तो माइनॉरिटीज वाले खुद आकर कहेंगे हमें आपसे ना कोई विशेष अधिकार चाहिए ना विशेष समर्थन। कुछ लोगों ने अपनी बात बड़ी साफगोई से रखी भले ही वो बहुतों को नागवार गुजरी हो, जैसे श्री के एम मुंशी जो वकील, इतिहासकार, लेखक, चिंतक सब कुछ थे, पर समाज को देखने का उनका अपना नजरिया था। हमारे हरिजन भाई जिन्हें हम अनुसूचित जाति का कहते हैं, ना तो नस्ल से अल्पसंख्यक है ना भाषागत रूप से,
और धार्मिक रूप से तो बिल्कुल ही नहीं। इन्हें अल्पसंख्यक कहना केवल कुछ लोगों की शैतानी और हठधर्मिता की वजह से हुआ है। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी तरह से हरिजनों को अल्पसंख्यक समुदाय नहीं कहा जा सकता है। वे वृहद हिंदू समाज का हिस्सा थे और हैं, और उन्हें विशेष अधिकार और सुरक्षा केवल उतने समय तक ही दी जानी चाहिए जब तक वे छुआछूत के बंधन तोड़कर महान हिंदू समुदाय का अभिन्न अंग नहीं बन जाते। वहीं मौलाना हसरत मोहानी जैसे लोगों ने अकलियतों के हक में की जा रही इस पूरी कवायद को ही खारिज कर दिया। मुझे इस माइनॉरिटी रिपोर्ट पर सख्त एतराज है, क्योंकि ये एक बहुत ही गलत बुनियाद पर बनाई गई है। जहां बात होनी चाहिए थी क्लासेस और सियासी पार्टियों की, वहां सिर्फ मजहब का जिक्र किया गया है। ये एक नहायत ही लग और फिजूल हरकत है। सर, आई से द होल थिंग इज अ ह्यूज हम्बग। पर दूसरे इस काम को बड़ी गंभीरता से ले रहे थे। आदिवासियों और जनजातियों की नुमाइंदगी कर रहे थे छोटा नागपुर के मुंडा जनजाति के श्री जयपाल सिंह मुंडा। एक ईसाई मिशनरी परिवार की मदद से पढ़ने के लिए वो ऑक्सफर्ड इंग्लैंड गए थे। वो बहुत अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे और 1928 में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान भी। आदिवासियों के लिए आरक्षण के मुद्दे को उन्होंने सभा के सामने पूरे जोर से रखा। आई हैव कम हियर टू से अ फ्यू वर्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द आदिवासीज ऑफ इंडिया। आवर स्टैंड पॉइंट इज दैट देयर सीम्स टू बी ट्रेमेंडस डिस्पैरिटी amongst our social, economic and educational standards, especially when it comes to the Adivasis and the rest of the people living in this country. And I am of the firm belief that unless we introduce some kind of statutory compulsions and implement them, it's going to be very, very difficult for us Adivasis to come up to the general population level. See, the Adivasis also want to be treated exactly the same way as rest of the people are treated in this country. Which was not the case up until now. In the past, we have been isolated, marginalized, and kept away from the mainstream as though we were some species that belonged in a zoo. See, the whole point is that you've got to mix with us, and we are willing to mix with you. And that is precisely why we have insisted on the reservation of seats. Sardar Patel ki report to pass ho gayi, par jab uske appendix ka number aaya, to kai amendments rakhe gaye. Aur ab सरदार पटेल के सामने थे सरदार बहादुर बी पोकर साहब। उनकी तजवीज़ थी कि सन 1936 में मुसलमानों को मिले अलग चुनावी अधिकार बरकरार रहने चाहिए। On the consideration of the report of the advisory committee of the minorities, fundamental rights, etc., on minority rights, this meeting of the Constituent Assembly resolves that all elections to the central and provincial legislatures should, as far as Muslims are concerned, be held on the basis of separate electorate. No, 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 no. This institution of separate electorates was being enjoyed by the Muslim community from the first four decades of the century. That is, for over 40 years. And now the moment independence has been obtained, it has been abolished. This would give rise to the feeling amongst Muslims that at this critical stage, they are being deprived of the benefits of this institution. And they are being ignored. And their voices stifled. The amendment and the motion is now open for discussion. Sir, I am extremely disappointed at the speech made by the previous speaker. I thought that after having obtained Pakistan, my friends in India would change their attitude. I really wonder what more can be done. We are going too far in trying to placate them in every possible way. Under the joint electorate system, a Hindu can represent a Muslim and a Muslim can represent a Hindu.
I will represent you much more than you do, because I know that I'm not a Muslim, and as such, I'll always have a special sense of duty and so look after your interests well. So why not take advantage of that? And this is possible only if we have joint electorates. It would not be wrong for me to quote Mr. Jinnah in this connection. Whatever he may have said before partition, now this is what he said, and I quote, "My idea is to have a secular state here." Somebody asked, "Religious or secular?" And he said, "Hindus and Muslims are alike to me, and they should have equal opportunity. I am trying to make a common nation for both of them. I myself am not prepared to call a single individual a minority. I do not like the word minority at all. Therefore, I am saying I am opposed to this amendment." कई लोग बोले, कुछ संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में, पर ज्यादातर विरोध में। आखिरी वक्ता थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। Sir, what do the minorities desire? Do they want to have any share in the government and its administration? I tell you, you cannot have one genuine seat in cabinet if you segregate yourself from the rest of the community, because every member of cabinet is answerable to one common electorate. Are you prepared to give up your right of representation in the government and be satisfied with the pitiable position, which is no more than being an advocate of your own little community? Sir, I want all minorities to have an honorable place in the Union of India. I want to have full opportunity for self-realization and self-fulfillment. I want this synthesis of culture, fully maintaining the principles of equality, liberty, and fraternity. अंत में सरदार पटेल प्रस्ताव के बचाव में खड़े हुए। I appeal to you, let us at least on this side of the border show that everything is forgotten. And if we want to forget, then let us forget what has been done in the past and who is responsible for what is happening today. Therefore, I once more appeal to you to withdraw this amendment and let us pass this unanimously, so the world outside will also understand that we are united. I will now put the amendment to vote. Those in support say aye. Aye. And those opposed say no. No! Now, I will put the original motion to vote. Those in support say aye. Aye! Aye. And those opposed say no. Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. उस दिन ये तय हो गया कि भारत में अब किसी भी संप्रदाय या धर्म का इंसान किसी की भी नुमाइंदगी कर सकता है और हम किसी भी मजहब के मानने वाले को अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं। ये एक क्रांतिकारी कदम था, पर कई सदस्य इससे भी आगे बढ़कर कमजोर, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए अलग किसी भी प्रावधान के बिल्कुल खिलाफ थे। अध्यक्ष महोदय, अगर बैकवर्ड क्लासेस को मदद और हिफाजत चाहिए तो उसके बहुत से रास्ते हैं। उनके गुणी छात्रों को वजीफे दीजिए, दूसरी आर्थिक इमदाद दीजिए, उनके लिए पढ़ाई की संस्थाएं खोलिए जिससे वो जीवन में आगे और ऊपर जा सकें। पर इस तरह बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्लासेस के नाम पर समाज को हमेशा हमेशा के लिए बांट देना
एक ऐसी हिमाकत होगी जिसकी कीमत पूरे समाज और पूरे देश को अनंत काल तक चुकानी पड़ेगी, और इसके नुकसान का हम अभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। कई और सदस्यों का भी यही ख्याल था। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टुडे हैज एब्सोल्युटली नो मीनिंग, एंड स्पेशली रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स कैन हैव एब्सोल्युटली नो जस्टिफिकेशन आफ्टर हैविंग डिवाइडेड द कंट्री ऑन बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी विथ ऑल इट्स इंप्लीकेशंस, after having provided in the constitution fundamental rights, some of which are justiciable, after having provided in the constitution directive principles of governance, after having provided adult suffrage in the constitution, after having done all this, does anyone feel called upon to provide for any reservation? Long day with the constitution, Bhimrao. Yes, after a short nap, a long night with the constitution. आपकी मेहनत देखकर तो ईर्ष्या होती है। अब आप लोगों ने काम दिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा, फिर दिन क्या और रात क्या। भीमराव, आपसे एक बात करनी थी। जी बोलिए। आपने तो देखा ही है सभा में कितने लोग सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अब अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों को आरक्षण दिया गया तो आप तो जानते ही हैं, फिर सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान कोई पीछे नहीं रह जाएगा। हाँ, मगर सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान या किसी और का मुकाबला अनुसूचित जनजातियों के साथ नहीं हो सकता। ये सारी जातियां पैसे वाली भी हैं और सोशली सिक्योर्ड भी। ठीक बात है, पर अगर एक बार आरक्षण का दरवाजा खुल गया तो देखिएगा, सभी लोग अपना हक मांगेंगे और हिंदुओं के लिए सरकारी नौकरियों में जगह नहीं बचेगी, जबकि संख्या में वो सबसे ज्यादा है। आप चाहते क्या हैं? सिर्फ मैं ही नहीं, सरदार पटेल भी यही चाहते हैं कि हो सके तो संविधान में आरक्षण की बात ही हटा दी जाए। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला, चाहे आप कितना भी जोर लगा ले मुंशी जी। पर कोई रास्ता तो हो सकता है ना? हाँ, एक रास्ता है। मैं ही हट जाता हूं संविधान की ड्राफ्टिंग कमिटी से। अरे, फिर आप लोग जैसा चाहें वैसा संविधान बना लीजिएगा। सुनिए भीमराव, भीमराव सुनिए तो। उस दिन से डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का मसौदा बनाने का काम बंद कर दिया और ये भी संदेशा भेज दिया कि वो ड्राफ्टिंग कमिटी से ही नहीं लॉ मिनिस्टर के पद से भी इस्तीफा दे देंगे। ऐसे गुणी, मेहनती और जिम्मेदार इंसान के जाने की आशंका से खलबली मच जाना लाजमी था। अब एक ही रास्ता सामने था और एक ही संकट मोचक। मुंशी जी की बातों से आप नाराज हो गए भीमराव? लेकिन वो तो आपकी बात लेकर आए थे मेरे पास, इसीलिए मैंने कहा कि मैं ही ड्राफ्टिंग कमिटी से हट जाता हूं। आप तो जानते हैं कांग्रेस क्या पूरे भारत में दूसरा और कोई है ही नहीं जो हमारे संविधान को आकार दे सके। खुद बापू भी यही कहा करते थे। लेकिन आप उनकी बात मानते कहां हैं पटेल जी? गांधी जी पिछड़ों को रिजर्वेशन देने की मेरी तजवीज से सहमत थे। पंडित नेहरू ने तो खुद पंडित होते हुए भी यह कहा कि सदियों से हिंदुओं ने निरीह अछूतों और आदिम जातियों को बेबसी, दरिद्रता और अशिक्षा में रखा। फिर अगर हमें उन्हें सबके साथ बराबर लाना है तो हमें उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही होगा। आपकी बात सही है, पर आप तो जानते हैं कि बड़े पदों पर हम मेरिट के आधार पर ही लोगों को ले पाएंगे, तो फिर क्लर्कों की नौकरी के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना? जोखिम? मुझे तो इसमें कोई खतरा नजर नहीं आता। खतरा यह है कि अगर हमने एक विशेष वर्ग को आरक्षण दे दिया तो बाकी के लोग भी आरक्षण की मांग करेंगे और भारत भर में जातिवाद का यह जहर फैलता जाएगा। जहर तो हमने पिया है सदियों से
और फिर भी हम जिंदा हैं। रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली आप लोगों ने हमारी, फिर भी हम लोग खड़े हैं। अरे एक बार हमें अपने बराबर आने का मौका तो दीजिए पटेल जी, फिर देखिए कैसे हम आगे निकल जाते हैं। और यह काम बिना आरक्षण के नहीं होगा। अगर फिर भी मेरी बातें आपको जहरीली लग रही हैं तो मैंने अपना इस्तीफा तैयार रखा है, आप खुद लेते जाइएगा। मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूं अंबेडकर जी, लेकिन मूर्ख नहीं हूं, किसान हूं। देखकर ही बता सकता हूं कि कौन सा बीज कल मुझे अच्छी फसल देगा। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर भी रहे और शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए दिए गए रिजर्वेशंस भी। पर कई दूसरों ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दायरे को बढ़ाने की बात सामने रखी और समाज के उस हिस्से की बात भी की जिसे हम आज अन्य पिछड़ी जातियों या ओबीसी के नाम से जानते हैं। मद्रास जैसे प्रबुद्ध और विकसित प्रदेश में विभिन्न जातियों के ग्रुप्स बनाए गए और हर ग्रुप को अपनी आबादी के आधार पर सरकारी नौकरियों में स्थान दिया गया। यह प्रणाली बहुत ही सफल साबित हुई और इसका नतीजा यह हुआ कि मद्रास भारत की विकसित और प्रगतिशील प्रांतों में गिना जाने लगा। मगर अन्य सूबों में ऐसा कुछ नहीं हो पाया, विशेषकर सेंट्रल प्रोविंस बेरार, जहां इस सिरे से उस सिरे तक हर विभाग में एक ही जाति विशेष के 90% अफसर नियुक्त किए जाते हैं। मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि न्याय और निष्पक्षता को मद्देनजर रखकर उन लाखों करोड़ों को भी अवसर मिलना चाहिए जो फिलहाल आप लोगों से कॉम्पीट करने की स्थिति में नहीं है। केवल अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों को पिछड़ों की श्रेणी में रखना कहां तक उचित है? उनसे भी अधिक करोड़ों पिछड़े लोग हैं और इन सब के लिए ना ही कोई प्रावधान है ना व्यवस्था। इसी बात को और विस्तार से रखा बिहार के श्री चंद्रिका राम ने। जनाब सदर साहब, मेरे जानते आज समाज तीन वर्गों में विभाजित है। पहले वर्ग में हिंदू समाज के वो लोग हैं जिनको हम सवर्ण कहते हैं, और आखिर में वो लोग हैं जिनको डिप्रेस क्लास, अनटचेबल, शेड्यूल कास्ट या हरिजन कहते हैं। लेकिन इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो इन दोनों के बीच में है, जिसको बैकवर्ड कहा गया है। मैं आपको केवल नमूने के लिए बिहार की बात बता दूं कि वहां इस बैकवर्ड क्लास में, जिसे सेंसस में भी कहा गया है, उस बिहार में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, उनके प्रतिनिधित्व को देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां कोई है ही नहीं सिवा एक कम्युनिटी को छोड़कर, जिसे हम लोग अहीर कम्युनिटी कहते हैं। बैकवर्ड क्लास हरिजन क्योंकि बैकवर्ड क्लास है इसलिए हम उसको इतनी सुविधाएं देते हैं, और क्यों ना वो आर्ग्यूमेंट हम उन पर भी लागू किया जाए और उन लोगों को भी वही सुविधाएं और वही रिजर्वेशन दें। जो लोग ऐसा समझते हैं कि इस देश में बैकवर्ड नहीं है, तो उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस देश के इतिहास को, समाज की प्रगति को और आज के हालातों को आंखें मूंद कर देख रहे हैं, वो आंखें खोल कर नहीं। कई लोगों को डर था कि पिछड़ी जातियों के दायरे को बढ़ाते जाने से कहीं उन लोगों के अधिकार कम न हो जाएं जिन्हें संवैधानिक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। If this happens, then I'm afraid the scheduled caste will never get a chance, as the word backward would be interpreted in such a way that the people of other caste will also claim to be backward and get the chances on the reserve post. Therefore, sir, before resuming my seat, I would request you to see that the machinery which will operate this clause should be so pure that a clear distinction should be made between the scheduled caste and the other people who come under the category of backward classes. चुनाचे अन्य पिछड़ी जातियों के विशेष अधिकारों का मामला टाल दिया गया और समाज के इस महत्वपूर्ण तबके को 1989 में मंडल कमीशन के आने तक अपने अधिकारों के लिए इंतजार करना पड़ा।
उधर अलग अलग धर्मों और मतों के पर्सनल लॉस का टेढ़ा सवाल सबके सामने था और शायद आज भी है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना जहां संविधान की जिम्मेदारी थी, वहीं पर्सनल लॉस को सम्मान देना भी। 19 नवंबर 1948 को श्री एच सी मुखर्जी सदन की सदारत कर रहे थे जब ये सवाल सभा के सामने आया। सर, सर, मिस्टर प्रेजिडेंट सर, सर, आई हैव नॉट कॉट योर आई सर। अनफॉर्चुनेटली आई हैव ओनली टू आईज, दे विल बी टर्न टू योर साइड द नेक्स्ट टाइम। व्हाई डू यू नॉट हैव अ थर्ड आई सर? प्लीज गो अहेड मिस्टर करीबुद्दीन। सर, माय सबमिशन इज दैट पर्सनल लॉ शुड बी रिस्पेक्टेड एंड दिस शुड बी एम्बॉडीड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। द पीपल आउटसाइड एंड द मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मस्ट रियलाइज दैट ए मुस्लिम रिगार्ड पर्सनल लॉ एज पार्ट ऑफ द रिलीजन एंड आई रियली अश्योर यू दैट देयर इज नॉट ए सिंगल मुस्लिम इन दिस कंट्री, एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन वन, हु वॉन्ट्स चेंज इन द मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ द रिलीजियस राइट्स and personal laws. And if there is anyone who wants change in the mandatory principle or religion as a matter of personal law, then he cannot be a Muslim. I would like to say that any party, political or communal, has no right to interfere in the personal law of any group. More particularly, I say this regarding Muslims. There are three fundamentals in the personal law, namely religion, language, and culture, which have not been ordained by human agency. The personal law regarding divorce, marriage, and inheritance has been derived from Quran, and its interpretation is recorded therein. If there is anyone who thinks that he can interfere in the personal law of Muslims, then I would say to him, the result will be very harmful. Mohani sahab, aap kripa karke baith jaiye. Baith jaiye. Baith jaiye. Baith jaiye. Baith jaiye. Baith jaiye. I say from the floor of this house that they will come to grief. Muslims will not submit to any interference in their personal law. If anybody has got the courage to say so, then I declare. Sit down. क्या declare करना चाहते हैं मौलाना साहब आप? क्या बातें कर रहे हो? हम सब कितना बोलते हो आप? अरे बंद करो बोलना यार. Sit down. बैठ जाइए आप. Order. मौलाना साहब आप बैठिए. फूल सिंह जी, बैठ जाइए आप. मैं इस हाउस से साफ ऐलान कर देना चाहता हूँ कि इस मुल्क का मुसलमान किसी को हमारे पर्सनल लॉ यानी शरिया के मुद्दे पर दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर किसी ने जुर्रत की तो हम जी जान से उसकी मुखालफत करेंगे, और ये गुस्ताखी करने वाले को पूरे मुस्लिम समाज की अहद और इरादे की मजबूत दीवार को तोड़कर गुजरना होगा। इस तरह की बातें करें, बैठ जाइए आप। मौलवी साहब, आप कृपया करें। वली में विश्वास करने वालों को उनके पर्सनल लॉ के आधार पर नरसंहार करने की अनुमति दे देंगे। Will the honorable members of the house please take their seats? Please बैठ जाइए। बैठिए। आप भी बैठ जाइए। बैठिए, please बैठिए। Our Mohammedan friends who moved the amendments wanted a double guarantee that their personal law ought not to be interfered with. My submission is that it is totally impractical. For in an advanced society, even the members who belong to a particular community may desire their personal law to be changed. But if we make provision here that the personal law shall not be interfered with, there will not be any right to the members of that community itself to modify that law. This is only an enabling provision. Without the consent of the affected minority, no such law will be framed. I therefore feel it is unnecessary to include it in the fundamental rights. आखिर में सारी बातों को स्पष्ट करने खड़े हुए डॉक्टर अंबेडकर। This matter was very completely and very sufficiently discussed and debated at the time when we discussed the directive principle
which enjoins the state to bring about a uniform civil code. I do not think it is necessary to make any further reference to it. But I should like to say that if such a saving clause was introduced into the Constitution, it would disable the legislatures in India from enacting any social measure whatsoever. इस तरह जहां अकलियत यानी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को हमारे संविधान ने सुरक्षित किया और उनके आगे बढ़ने के रास्ते खोले, वहीं कई चीज़ों को भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। वहां अक्सरियत या बहुसंख्यकों के हालात भी पेचीदा थे और एक यूनिफॉर्म हिंदू कोड बिल की मुखालिफत तो शुरू से होने लगी थी। पर जब औरतों ने इस बिल के पक्ष में जोर डाला तो लोगों ने मजाक में उसे हिंदू वुमेन्स कोड बिल कहना शुरू कर दिया और संविधान सभा तो इस बिल को पास नहीं ही कर पाई। बाद में ये काम टुकड़ों टुकड़ों में हुआ, पर अब तक हिंदुस्तान का सबसे सताया, असुरक्षित और अल्पसंख्यक वर्ग यानी औरतों को अपने लिए बराबरी का हक नहीं मिल पाया है। और जिस दिन हमारा समाज अपनी महिलाओं को रक्षा और सम्मान देगा, उसी दिन हम सच्चे मायने में आगे बढ़ पाएंगे।